बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जुलाई 2020 को मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये ख़बर है कि जिसके मुताबिक कराची में नाले साफ़ हो रहे हैं और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से 8 मिलियन डॉलर का कर्ज़ा लिया है, यानी 1 बिलियन रुपये का तकरीबन। अब हम देखें कि सिंध के टैक्सेस बजट जो था वो 2013-14 में 120 बिलियन था, वो बढ़ते बढ़ते करंट ईयर में 313 बिलियन तक पहुंच गया और करंट ईयर में भी 25 बिलियन से ये बढ़ा है। हालांकि पेंडेमिक है और कराची को रिलीफ देना चाहिए उसके बजाय यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके बरक्स केएमसी का बजट के जो 36 बिलियन था 13-14 में, वो घटाते घटाते करंट ईयर में 24 बिलियन पर ले गए हैं। ये ज़्यादती है और कराची के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो बर्डन कराची के हमारे बच्चों के ऊपर पड़ने जा रहा है फॉरेन करेंसी लोन लेके, और वो भी नाला साफ करने के लिए, उसके खिलाफ़ एहतजाज करें। शुक्रिया।